करवाती हूँ। वजह नहीं आना? नहीं, मैंने तो नहीं आना था, मुझे तो पता ही। चम्मच चम्मच के साथ डिप करके चम्मच के साथ ही वहाँ रख दो। ये जो बड़े कुक होते हैं ना शेफ, वो ऐसे ही बनाते हैं। ये पूरी औरतों वाले काम ये होते हैं। ऐसे देखो, ये ऐसे उठाओ। बाबा आप कहो, मैं औरत थोड़ी हूँ। अब कुकिंग भी मुझे सिखानी पड़ेगी। लो डलिया ना आराम से। हाँ, यही तो तरीका मैं बता रहा था, आप कह रही थी। और ये ना इसके अंदर जरा स्लो करो आज, ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह पक जाए, वरना अंदर से ये कच्चा रह जाएगा, ऊपर से जल जाएगा। मैं यही तरीका आपको बता रहा था। आज संडे है, मैं बनाने खड़ी हुई थी। नहीं नहीं, मैंने बनाना है नाश्ता, मैंने बनाना है। ये नाश्ता बन रहा है, पहले अब घंटा मुझे ये सिखाना पड़ेगा, खपना पड़ेगा, फिर जाके कहीं हमें नाश्ता मिलेगा। वाह भाई वाह, घंटा नहीं लगता, बस सिर्फ 3 घंटे लगा दो। पहले इतनी भूख लग रही है जी बेटा, पहले इतनी ज्यादा भूख लग रही है। लो, मेरे 3 घंटे का मतलब होता है 3 मिनट में। देखो मैं ये जो फ्रीज की हुई थी शामी बना के और कबाब, कितना फायदा हो रहा है। बाबा को कुकिंग नहीं करनी पड़ रही, सिर्फ फ्राई करना पड़ रहा है। मेहमान आ रहे हैं। हाँ जी, और करना नहीं, जला रहे हैं, एक साइड से जला रहे हैं। ये लो चिमटा। हाँ जी, एक से तो बन गया, अब दूसरा कुक आएगा। मैं बनाऊँ? मैं डरता हूँ इतना तो मैं भी नहीं डरती। सुनो तो सही, आयल ना गिर जाए मेरे ऊपर, बस एहतियात करता हूँ। कोई भी मेहमान आ रहा है हमारे, वैसे ये बड़े काम आ रहे हैं, ये जो शामी और कबाब मैंने फ्रीज किए थे ना, कोई भी आ रहा है फटाफट निकाले, फ्राई की और दे दिए। अब जी बच्चों ने फरमाइश किया बर्गर खाने हैं, वो जल्दी से फ्राई करेंगे। और वो तो बर्गर बन भी हाथ में लेके खड़ी है, बर्गर भेज देंगे। बस ये तूने एक दिन मेहनत कर ली। ये सही ऐसे नहीं कटते, ये देखो तोड़ दिया सारा। ये खाएंगे, ये बाबा खाएंगे। मैं करूंगा सारा कुछ आज, मैं करूंगा, मैं काटूंगा इसको। ऐसे रखते हैं और ऐसे काटते हैं। ये देखो, ये होते हैं प्रोफेशनल जो कुक होते हैं, ये शेफ मम्मा। हाँ जी, शेफ जो प्रोफेशनल है। आओ, ये अच्छा व्यूअर से पूछ लेते हैं, ये सही कट है या ये मैंने काटा है, ये नोरी ने। ये बात तो ठीक है, ये कैमरे के सामने फ्रॉड हो रहा है। इक्वल ये है कि ये है, ये देखो ये वाला है, ये वाला बिल्कुल ठीक है। ये मेरी बात सुनो, ये पता है इस तरीके से मैंने क्यों काटा है, ताकि इन जगहों पे ये इक्वल नहीं काटा। ये नहीं कहना शामी वगैरह चला जाए, ये नहीं कहना कि मुझे वाला काटा है। शामी सही तरीके से उसके अंदर फंसा रहा है, गिरे ना। लो अब इसको धो, छुरी मैं छुरी धो रहा हूं। इधर इतना चाहे शामी जल दे। नहीं वो नहीं जलते, अगर मैंने बाबा से पूछ के जलेंगे तो अब तक जल गए होते। आज देखो जी कैसे हमें बर्गर मिलेंगे। आज आपको ऐसे भी आई थी बर्गर मिलेंगे, आपकी सोच है जो खाने के काबिल नहीं होंगे, है ये खुद काटो। अब क्यों मैं काट देती हूँ बाबा, मैं बता रहा हूँ। देखो देखो, सारे औरतों की जरूरत हर जगह पड़ती है। 100% ये आप बात सही कह रही हैं। ये देखो जी, एक और हमारे साथ फ्रॉड, हमें शामियों के सबको और खुद थी कबाबों के बर्गर। वो असल में शामी खत्म हो गए थे ना, ये है शामी। शामी अच्छे खासे मैंने फ्रीज किए हुए, शामी नहीं खत्म हुए थे, और शॉपर अच्छा। में अभी भी काफी सारे बच रहे थे। अच्छा, मैंने ये समझा भी कभी खत्म ना हो गए हो, चलो अभी मैं फिर ये हम लोगों को ये वाला चुनी जो इतना वो चलाक होशियार शेफ होता है ना, देखो वो कस्टमर्स को इस तरह देता है और खुद ऐसे खाता है। ये देखो क्या बनाया बिस्मिल्लाह, और ये मेरा और हमारा झूला भी नया आ गया। ये देखो हमारा प्यारा सा झूला नया, हमारा झूला टूट गया था, हमने नया ले लिया। और अब हमने कलर भी इसका चेंज लिया, पहले था ब्लैक और गोल्डन में, अब हमने लिया रेड और वाइट में, और कुशन भी हमने चेंज किए हैं, पहले रेड कुशन थे अब हमने ब्लू लिए हैं। हमने कहा थोड़ी सी चेंजिंग, ताकि हर चीज वाजे वाजे नजर आए, थोड़ी चेंजिंग होनी चाहिए झूले में भी। और माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है मुझे तो।
अब हमने सेटिंग भी चेंज कर दी आपको। नूरीन कभी घर में भी सुकून लेने दे दिया कर, पता नहीं कहां कहां ले आती हो समझ से बाहर। तुम्हें नई नई जगह की सैर करवाती हूं। वजह नहीं आना? नहीं, मैंने तो नहीं आना था, मुझे तो पता ही नहीं है। एक तो नई नई जगह की सैर है। मम्मा जो हमेशा सरप्राइज देती है, मुझे बताया कब है भी हमने क्या करने जा रहे, क्या हो रहा है क्या नहीं, मुझे तो पता था। एक तो आप सब लोगों को नई नई जगह विजिट करवाती हूँ, ऊपर से देखो मेरे हिस्से में ये बदनामी लिखी जाती है। और मेरे हिस्से में ये फ्यूल इतना महंगा हो गया है, और वो नहीं आपको नजर आता? अच्छा अच्छा, खैर से आए हैं आज? हाँ जी। लो जी, ये बिस्मा के ये कान भी नूरीन, ये कब वो सिलवाया? ये रात सिलवा के लाई हूँ, इसको बड़ा शौक चढ़ा हुआ था मेरे कान में छुतवाओ, मेरे का चलो इसका शौक पूरा कर दो, अब शौक पूरा हो गया, अब रात से उनको ऐसा पकड़ के फेंक दिया। अच्छा अच्छा, चलो अब ये हम एयरपोर्ट पे आए हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं लग रही आए क्या करने हैं। आए हम किसी को लेने आए हैं यहाँ पे, अब वो किसको लेने आए हैं? सरप्राइज है मम्मा के लिए। नहीं वो सरप्राइज नहीं है, वो का। अच्छा मुझे समझ लगी, अब आप ना बताओ। हाँ जी, आप ना भी बताती, मुझे समझ लगी थी। उम्रे पे गई भी थी समरीन और वजात भाई ना, उनको लेने आए हैं। हाँ जी, मेरी सिस्टर और बहनोई। हाँ जी, वो आ रहे हैं उम्रे से, हम उनको रिसीव करने के लिए आए हैं, उम्रे की मुबारक देने आए हैं, क्योंकि उनके पास टाइम कम है, उन्होंने यहीं से ही सीधा फैसलाबाद चले जाना है। हमने कहा हम यहीं पे चले जाएं एयरपोर्ट से ही, उनको मुबारक दे दे और उनको मिल भी ले। और हूरब को देखो, ये देखो जी माहिर भी आया हुआ लेने जी। हाँ जी, माहिर खुश हो रहा है कि मैं कहाँ आ गया हूँ। सही बात है, मस्तियाँ देख लो। हाँ जी, और ये है जी हमारा लाहौर का इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक मिनट, इनमें से देख लेते हैं। एक ही बात है, ये दिखा कितने के भाई? 700। सही। फिर इसके अलावा भी और भी कुछ लेना है? नहीं बस यही एक ले लो ना। देखो कौन ये वाला ले लो। नहीं रेहान कह रही है ले लेते, नहीं ये नहीं लेना हमने, बस ये बुके ठीक है। ये हूरब को देखें, कह रही है मैंने देना है हूरब को, मैंने देना है। अच्छा आपने देना है, आराम से तो चलो, वो नानी अम्मी उधर बैठी है ना। लो जी माहिर चौधरी साहब बन गया, लो जी और खुश होता है फिर उतार के, क्या आंख में ना मार लेना, कितना खुश हो रहा है। भाई वजाहत बाहर भी चले गए, वो रे अंकल वजाहत ये बैठी यार पहले। यहाँ मैं कह रही थी अंकल वजाहत ने माल बांधा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हाँ जी हाँ जी, वो तो फारिग होके चले गए हैं, मैंने कहा। और हम भी गाड़ी में बैठ चुके हैं, मैंने कहा मैं थोड़े से रात को भी ग्लासेस लगा के देख लूं, लेकिन रात को तो काफी अंधेरा लगता है, दिन में सही रहते हैं। तो दिन में आप लगाते ही नहीं, पता नहीं क्या मसला है। हाँ जी चलें। हाँ जी,